तो कैराना और नूरपुर में सपा रालोद की जीत को लेकर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू हुए अखिलेश ने जीत को लेकर खुशी जाहिर की है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, साथ ही ये बहुत बड़ी जीत है देश की राजनीति को और खासकर उत्तर प्रदेश से लगातार जनता की प्रणाम मानो ये संदेश है। और मैं समझता हूं जीत से किसान, गरीब, मजदूर और जो सामाजिक न्याय किए और भूखे प्यासे खड़े होकर के मतदान किया, मैं उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी चुनाव के मुद्दे दूसरे हों, चुनाव का जमीनी सवालों पर और जो जनता को धोखा दिया था उसका जवाब देने का काम वहां की जनता ने किया है। इस गठबंधन में तमाम हमारी पार्टी के जो नेता लगातार वहां पर प्रचार किए हैं, समय समय पर जनता को समझाने का काम किया है, मैं सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर मैं उनका भी धन्यवाद। सपा के खेमे में जश्न का माहौल है। वंदना रावत इनपुट हेड लगातार बनी हुई है। वंदना, अंदाजा पहले से ही हो रहा था, खतरा जरूर बना हुआ था कि एकजुट हो चुका है विपक्ष, जो है महागठबंधन चल रहा है। उम्मीद शायद बीजेपी को यह नहीं थी, लेकिन ये 2019 के लिए नींव रख दी गई है, ये राह आसान नहीं होगी। बिल्कुल सुनील, आपने सही कहा, ये राह इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन जिस तरह कैराना और नूरपुर में ये कुछ तीसरी मतलब ये देखा जाए तो अभी 80 विधान सांसद सीट में ये यूपी में बीजेपी की तीसरी हार है। अगर फूलपुर की बात की जाए तो वहाँ के पूर्व सांसद केशव मौर्य जैसे डिप्टी सीएम है वो वहाँ से सांसद हुआ करते थे, वहाँ पे चुनाव हुए। गोरखपुर जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ से सांसद थे, लेकिन जब दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए तो वहाँ पे गोरखपुर में निषाद जैसी सपा पार्टी से वहां जीते और फूलपुर में भी सपा का कब्जा हो गया। अब रही तीसरी कैराना में, जबकि यहाँ पे भी बीजेपी का कब्जा था और यहाँ पे फिर से रालोद यमुना कब्जा है, ये बीजेपी की तीसरी हार मानी जा रही है। और एक बार फिर सपा प्रधान की बात है, खुशी मनाएगी क्योंकि महागठबंधन ये माना जाए कि हार जीत लगी रहती है, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी नजीर पेश हुई है। काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। बिल्कुल सुनील, आपने बिल्कुल सही कहा है। अखिलेश यादव ने जब रिजल्ट आया कैराना का, तुरंत वो अपने सपा कार्यालय पहुंचे, वहां पे वो पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने साफ कहा कि एक बार बीजेपी को विपक्षी दलों ने भूल चढ़ा दी है। बीजेपी ने जो वादा खिलाफी की थी किसानों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, वो कहीं भी खड़ी नहीं उतरी और आज उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने कैराना चुनाव में चाहे मुजफ्फरपुर से संप्रदाय दंगा हो, चाहे कैराना पलायन मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए, लेकिन बीजेपी को यहाँ कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी वादा खिलाफी उसके सामने या 2019 आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को ऐसी ही भूल चटाई। बिल्कुल वंदना, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अगली खबरों पर भी। यहाँ तो लखनऊ में सपा कार्यालय में, नूरपुर और कैराना में समाजवादी पार्टी और रालोद की जीत का जश्न मनाया गया। सपाइयों ने जमकर आतिशबाजी ये और एक दूसरे से मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी जीत के जश्न में शामिल होने के लिए सपा कार्यालय पर पहुंचे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जीत के जश्न में डूबे नजर आए। जिंदाबाद, 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 पूरा पति का जिंदाबाद।